हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। फ्रेंड्स, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट अभी इसके फॉर्म में डिले हो चुका है और इसी का फ़ायदा उठा करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नोटिस को वायरल किया जा रहा है, चाहे वो पेपर कटिंग के माध्यम से हो या ऑफिशियली जो फॉर्मेट होता है सीटेट का, उस फॉर्मेट में भी आपका नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इवन आपका कई यूट्यूब चैनल वाले भी इसमें शामिल हैं इस न्यूज़ को फैलाने में। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, ये न्यूज़ फेक है या सही न्यूज़ है, इसकी हम लोग पड़ताल यहाँ पर वीडियो में करने वाला है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे साथियों कि आपका जो रियल में नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन है कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी जानेंगे क्या आपके सिलेबस में इस बार चेंजेज होने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अब सबसे पहले चलिए उस वायरल नोटिस को देखते हैं कि उस नोटिस में क्या दावा किया जा रहा है। साथियों, ये कल से वायरल हो रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये एक पेपर कटिंग के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। सीटीईटी दिसंबर 2022 के लिए 20 जुलाई से आवेदन। देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर का पेपर कटिंग दिखाया जा रहा है। सीबीएसई ने सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 के लिए नोटिस जारी कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में आपका आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। यह परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 जुलाई से 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वहीं अगस्त को शाम के लिए 1200 रुपये जमा करने होंगे। वहीं SC ST का दिव्यांग के लिए एक पेपर का 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है। परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा। देखिए ये हो गया पेपर कटिंग। अब इसकी क्या है सच्चाई, पहले इसके पहले जो ऑफिशियल फॉर्मेट में नोटिस जारी किया गया है उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन की सच्चाई क्या है दोनों की। तो ये जो साथियों यहाँ पे अगली नोटिस है, यहाँ देखिए नोटिस नंबर लिखा है CBSE CTET/December 2022 पब्लिक नोटिस डेट 10/7/2022। देखिए 10 जुलाई के नोटिस दावा किया जा रहा है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड बिटवीन 15th ऑफ नवंबर टू 16th ऑफ दिसंबर। एग्जैक्ट डेट विल बी इनिस्टिमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 20 लैंग्वेजेस थ्रू आउट द कंट्री। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन फी एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट https://CTET.NIC.IN। और यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका एग्जामिनेशन है, वो 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे जो पेपर कटिंग था और ये दोनों में जो इन्फॉर्मेशन ये सेम है, तो इसमें एक छात्रों के बीच में एक भ्रम बन गया है। इसी वजह से हमने आज इस पर वीडियो बनाने का काम किया कि आखिर आपके भ्रम को दूर करना है। तो साथियों मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये नोटिस फेक है, ये दोनों नोटिस फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आप अगर मेरे बात को माने, क्यों सही बात है, अब मेरे बात को मानेंगे तो चलिए इसके लिए अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ 100% ये नोटिस फेक है। देन उसके बाद बात करेंगे कि आपका सही में नोटिफिकेशन कब आने वाला है। साथियों ये है सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पब्लिक नोटिसेज और न्यूज़ एंड इवेंट्स में है, यहाँ पर जो लास्ट नोटिस है साथियों, यहाँ पर पब्लिक नोटिस डेटेड 9/3/2022 यानी 9 मार्च तक ही जो सीटेट का रिजल्ट जारी होने वाला था दिसंबर 2021 का, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। मार्च 9 मार्च के बाद कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो वायरल नोटिस है वो वहाँ पे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में वो पूरी तरह से नोटिफिकेशन फेक है। ये अब आपको 100% कन्फर्म हो गया होगा साथियों, तो अब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ वो नोटिफिकेशन फेक है, यहाँ पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अब साथियों बात कर ले कि अब रियल में जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो देखिए अभी होता क्या है एक्चुअली में कि CBSE जो है जो 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जो सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। जो सीटेट होता है इसका अलग यूनिट होता है एग्जामिनेशन का और CBSE बोर्ड का अलग होता है। लेकिन होता क्या है साथियों कि स्टाफ की कमी की वजह से CBSE जो बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित करता है तो रिजल्ट के प्रिपरेशन के लिए क्या करता है कि जो सीटेट यूनिट होती है इसको भी अपने काम में लगा लेता है। तो अभी आपको जैसे पता है कि 10th और 12th का एग्जामिनेशन हो चुका है और उन लोग की रिजल्ट को प्रिपरेशन किया जा रहा है और जैसे ही रिजल्ट प्रिपेयर्ड होगा उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक 10th और 12th बोर्ड की रिजल्ट उनकी जारी कर दी जाएगी। तो जुलाई तक अब बात करें तो जुलाई लास्ट तक आपका कोई चांस नहीं है इधर कि आपका सीटेट का
नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो वैसे में भी ये नोटिफिकेशन कहीं से भी दावा कर रही है जो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। अब बात करें कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो साथियों आपका नोटिफिकेशन अगर बात करें तो जुलाई लास्ट के बाद ये लोग फ्री हो जाएंगे सीबीएसई रिजल्ट से, तो इनका यूनिट अपने फिर वर्क पे वापस आ जाएगा। तो आपका अगस्त, देखिए अगस्त या सितंबर, क्योंकि 3 मंथ पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन कराया जाता है एग्जाम होने से पहले, तो ऐसे में अगर आपका नोटिफिकेशन अगस्त में आता है, हालांकि पूरी चांस है कि अगस्त माना ही चाहिए, तो आपका नवंबर से दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है, लास्ट अगस्त या सितंबर में शुरू होता है, देन आपका इस कंडीशन में एग्जामिनेशन दिसंबर टू जनवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अब पूछेंगे कि यहाँ पे क्या सही में इस साल होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। आपका जो थोड़ा सा पैंडेमिक पिछले बार आ गया था, उसके बाद से कुछ इसके टाइम टेबल गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार आपका जो सीटेट है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल आपका 100% होगा। अब चाहे वो नवंबर टू दिसंबर एग्जाम हो या दिसंबर टू जनवरी एग्जाम हो, लेकिन आपका 100% श्योर है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। और नोटिफिकेशन आपको अगस्त में हर हाल में देखने को मिल जाएगा, अगस्त में नहीं भी आता है तो सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात कर ले साथियों यहाँ पे कि जो इसके सिलेबस है, क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है तो पूरी चांस है यहाँ पे कि आपके सिलेबस में चेंजेज हो, लेकिन यहाँ पे मेजर चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। और अभी आपके पास समय है तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, नोटिफिकेशन कब आता है इसकी आप लोग चक्कर बना रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसके लिए बस काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेजर सिलेबस में चेंजेज देखने को नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत चेंजेज हो जाएंगे, और एग्ज़ाम वही आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें, नोटिफिकेशन आपका अगस्त से सितंबर के बीच में आ जाएगा, और नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि सारा जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके सही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहना है। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल बने रहे, धन्यवाद।